हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी बिजी भी था, थोड़ा सुकून उस प्रकार का नहीं था कि एक जगह बैठकर वीडियो बनाऊँ। वो सारी चीज़ों का इंतजाम मैं कर रहा था। लास्ट जो वीडियो आई थी लगभग 74 डेज हो गए हैं उस वीडियो को आए, एक वीडियो आई थी। उसके पहले लगभग 125 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को आए। तो इधर 4-5 महीनों से हम वीडियो नहीं बन पाए, घर पर काम लगा था 26 नवंबर से। तो 26 नवंबर से लेकर ये काम चला है, लगभग एक महीने काम चला है। मैंने सोचा था कि ऑफिस वहीं पर अपना सामान शिफ्ट कर यही कमरा है जिस पर काम लगाया था मैंने। अभी कमरा दिखा भी नहीं सकता हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ठंड में घर बनाया, तो ठंड नॉर्थ इंडिया में जो भी साउथ के स्टूडेंट हैं, मिडिल इंडिया के हैं, वो उनको ये पता हो कि नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक तो ठंडी में घर बना, ऊपर से ठंड पड़ गई, तो घर ना जिस दरवाजे से एंट्री करो लगता है फ्रिज में घुस रहे हो, इतना ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो इसलिए उधर वीडियो नहीं बन पाया। और उस समय और फिर उसके बाद जस्ट पेपर वगैरह आ गया, तो SSC जेईई मेंस वाले बच्चों के साथ में थोड़ा बिजी हो गया। अभी बिजी ही हूँ, लेकिन अब वीडियो लगातार लाने के लिए मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, लगभग 12-13-14-15-17 ऐसे पहुंच रहा है। बारिश भी कुछ जगहों पर हो रही है यूपी में। जो यूपी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, जब गर्मी में कोई घर बनता है तब ठंडा रहता है, तो समझ लीजिए ठंडे में जो घर बना हो वो कैसा रहा होगा। एक दिन मैंने कोशिश की लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये तो हो गई मेरी हिस्ट्री की वीडियो क्यों नहीं बन पाई, उसमें अधिक गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं जो क्वालिटी कंटेंट लेकर आता हूँ, क्वालिटी वीडियो लेकर आता हूँ, वो होते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू, गाइडेंस एंड बुक्स रिव्यूज वगैरह। तो उसके लिए टाइम लगेगा। अगर फालतू कोई वीडियो बनानी होती, मतलब कि कुछ भी बना दो और यूट्यूबरों की तरह, तो मैं बना देता। बट क्या है, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं मैं वही चीज़ें लेकर आता हूँ आपके लिए। अब कोशिश यही करूँगा कि ऑफिस से आने के बाद शाम को टाइम मिल जाता है, अब मैं डायरेक्ट घर से ही अप डाउन कर रहा हूँ ऑफिस, तो ऑफिस से आने के बाद टाइम मिलेगा तो रात में ही वीडियो मैं शूट करूँगा। दिन में टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगा, ऑफिस में ही बैठकर ऑफिस में टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या चीज़ें करनी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत नए स्टूडेंट हैं जो नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जानते हैं, रेगुलर वीडियोज नहीं देख रहे, रेगुलर जब वीडियो ही नहीं आ रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो मेरी इंटरव्यूज की वीडियोज हैं वो अपने स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ एक ऐसा चैनल है जो हमेशा डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड रहा है। फालतू चीज़ें उसमें नहीं आती थी, अब चीज़ें लगातार मैं लाने की कोशिश करूंगा। हमारा टारगेट जो एग्ज़ाम रहेगा वो SSC जेईई 2022 मेंस है, जिसमें एक दो टीचरों को, एक दो टॉपर्स को मैं लेकर आऊँगा कि लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक महीना बचा हुआ है। लगभग 26 फरवरी को पेपर है, अभी आज उनका टेस्ट चल रहा है, 22 जनवरी को पहला टेस्ट था, तो टेस्ट चल रहा है, तो उनका टेस्ट में मैं बिजी था, कल रात से ही बिजी हूँ। अभी उनका पेपर चल रहा है, उसके बाद 2 दिन अभी बिजी रहूँगा कॉपी वगैरह चेक करने में, और टीचर्स वगैरह लेकर आऊँगा। तो मेंस वाले के बच्चों का तो हो गया। अब जो बच्चे बच्चे हैं, सबसे पहले बधाई दूंगा कि जो 2016 वाले बच्चे हैं यूपी तरफ से जेई के, वो जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट बहुत कम बनी है, 482 भी गई है, 386 वैकेंसीज ही हैं, 2500 लोगों को बुलाया गया, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2000 लोग वापस फिर से लौटेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, ये ठीक है, आप शेयर करिए, लेकिन उतना ज़्यादा खुशी मत होइए, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा गम में तब बदल जाएगी जब आपका डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आएगा तब। तो ज़्यादा शेयरिंग ना करिए, फेसबुक पोस्ट वगैरह लगाएं तो हटा दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि नहीं होगा तो ज़्यादा दुख है। 7 साल बाद रिजल्ट आया, वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत लोगों ने मेहनत की, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। धरना आज से 2018 से हो रहा था, बहुत हम पुराने धर्म में रहे हैं, इधर ज़्यादा थोड़ा बिजी शेड्यूल कारण इधर नहीं आ पाया मैं। कोशिश तो रहेगी कि आप लोगों के साथ फिर से मैं बन सकूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं अपना काम थोड़ा कम कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया भी सोच रहा हूँ ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि आउट ऑफ सोशल मीडिया होने के बाद दुनिया तो पहचानती ही नहीं है। फिर भी सब सही है, आप लोगों की कृपा और प्यार बना रहेगा तो चैनल बहुत ही जल्दी 50,000 कंप्लीट कर लेगा। अभी 26,200 कुछ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2023 तक में 50,000 कंप्लीट हो जाए, ऐसी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। बाकी पुराने वीडियोज आप लोग देखते रहिए, हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। इसके अलावा जो मेरे ब्लॉग चैनल है उस पर मैं अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ अपने भतीजे के साथ, जिनका नाम है संकल्प गुप्ता, हम लोग भैया जी प्यार से बुलाते हैं घर में, उनके साथ हम करते रहते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो उस पर चलते रहेंगे। मेरी पर्सनल, क्योंकि यार मेरे मन में भी था कि मेरी पर्सनल एक्टिविटी भी लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए वो ब्लॉग वाला चैनल बनाया, उसमें सारी मस्तियाँ होती रहेंगी। जो पर्सनल फॉलो करना चाहते हैं, पर्सनल देखना चाहते हैं गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, वो उस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब SSC JEE जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में भी हो सकता है सारा चीज़ें उसका हो जाए, तो वो अभी लगभग 6 से 7 महीने बचे हैं, उसकी तैयारी क्या कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं टीचर्स वगैरह को बुलाऊंगा। स्टूडेंट तो आते ही रहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप लोग भी अगर कहीं सेलेक्ट हो चुके हों या आपके दोस्त में, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट। और UP SSC JEE की भी वैकेंसी अधियाचन पहुँच चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 800 अधियाचन है, कुछ लोग कह रहे हैं 1000 है, नहीं अधियाचन ज़्यादा है। अब वैकेंसी कितनी फाइनल होती है वो उस पर देखा जाएगा, क्योंकि 2016 के बाद से अभी UP SSC JEE में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। अब जाके क्योंकि 6 साल में क्या रिटायर है, बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, अब देखिए कि वैकेंसीज कितनी आती हैं। बाकी रेलवे की वैकेंसी अभी वेटिंग लिस्ट का काम चल रहा है, अब वेटिंग लिस्ट वाला जैसे ही काम कंप्लीट होता है वैसे ही आएगी, और स्टाफ SSC की सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की भी वैकेंसी आएगी, क्लियर कर दिया 2018 के बाद 2023 में। आपको भी मालूम है चुनाव है, चुनावी माहौल है, तो आप लोग ये लास्ट में मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं हम वीडियो किस टॉपिक पे जा रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि SSC JEE प्री के लिए, मेंस के लिए, RRB के लिए, या आप जा रहे हैं आपका जो भी स्टेट JEE के एग्जाम्स होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए NSBC की वैकेंसी आप लोगों की आएगी, तैयारी जारी रखिएगा। मैं 1 जनवरी से पहले ही लगा चुका था कि NSBC की वैकेंसी आनी है, उसके पहले भी मैं बता चुका था NSBC गेट और डिप्लोमा दोनों बेसिस पे आएगी, गेट वाली तो आ चुकी है, डिप्लोमा वाली कभी भी आ सकती है, तो आप लोग तैयारी बना के रखिएगा। बाकी चीज़ें हम और भी लेकर आते रहेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। शुरुआत हो चुकी है तो आप लोगों तक वीडियो जरूर जाएगी, बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ इंटरव्यू सेशन मेरे आए हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ गाइडेंस लेकर आऊँ, तो सब चीज़ लेकर आऊँगा। अब मैं खाली हो गया हूँ, थोड़ा सा काम, यही 10-15 दिन का बचा हुआ है, तो वो जैसे ही फ्री हो जाता है तो फिर उसके बाद वीडियो फिर से स्टार्ट हो। अब मैं सोच रहा हूँ महीने में 4 से 5 वीडियो लेकर आऊँ, ये 4-5 महीने का गैप करना अच्छी बात नहीं है, ना मेरे लिए, ना मेरे यूट्यूब के लिए, ना आपके लिए। थैंक यू गाइज आप सभी का प्यार देने के लिए, कमेंट करिएगा क्या चाहते हैं आप, तो उसी हिसाब से हम और व्यवस्था आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।